ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कई सारे हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने लॉस सैंटोस के एक मिनिस्टर की आर्मर्ड जीप चुरा ली थी और उस जीप को मैंने बैनी को देकर और भी ज्यादा मॉडिफाई और भी ज्यादा अपग्रेड करवा दिया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इस जीप के ना चारों तरफ ये ब्लैक वाली आर्मर्ड प्लेट लगी हुई है और साथ के साथ यहाँ पर जितनी भी विंडोज है उसके ऊपर भी आर्मर्ड प्लेट लगी है। मतलब कि अगर कोई बंदा इस गाड़ी के अंदर बैठा है तो फिर उस बंदे की मरने की तो बात ही दूर है, अगर उसके कोई एक गोली मार देना वो भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो अपनी गाड़ी है ना, ये पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है, इसके अंदर एक भी गोली नहीं लग सकती। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये कि बैनी ने इसको फायर प्रूफ भी बनाया था। मतलब कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसके आसपास कितने भी धमाके कर लो, इस गाड़ी में कितनी भी आग लगाने की कोशिश कर लो, इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। तो यहां पर देखो, इस गाड़ी को इतना ज्यादा मॉडिफाई मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि हमें बिग माफिया के सीक्रेट बेस से लेसर को बचा के लाना था, क्योंकि उसने वहां पर उसे बिग माफिया के बेटे ने किडनैप करके धरा हुआ था। तो वहां पर हम लोग नॉर्मली इस गाड़ी में बैठ के गए और जितने बंदे थे उनको मारा और वहां पर जल्दी से लेसर को अपने साथ में बैठाया, फिर वापस निकल गए और बहुत गोलियां पड़ी थी, पुलिस वाले भी पीछे पड़ गए थे। तो जैसे तैसे हम लोग इस अजीब सी जगह पर आकर छुप गए थे। लास्ट टाइम मैं वेयर हाउस पर था तो भाई देखो, पुलिस वालों ने इस एरिया को चारों तरफ से पूरा का पूरा सील कर दिया है। आप लोग ना यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सामने की तरफ में भी दो गाड़ी और बहुत सारे स्वैट सोल्जर्स भी यहाँ पर आ रखे हैं। मतलब कि ना, लास्ट टाइम पुलिस वालों को शक हो गया था कि हम लोग इसी एरिया में आए हैं, तो सही टाइम पर लेस्टर ने हमें जगह चेंज करने के लिए बोल दिया था। अब देखो यार, यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तीन चार रास्ते और चारों रास्तों में यहाँ पर पुलिस है, लेकिन सामने की तरफ ना एक गली है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बट यार मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब ये जो गली है, यहाँ पर कोई पुलिस वाला क्यों नहीं है भाई? इसके पीछे क्या राज है? आगे भी एक गली है, वहां पर तो पुलिस वाले हैं। एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर मैं पीछे से निकलने की कोशिश करता हूँ, क्या पता कोई ना कोई रास्ता निकल आए। भाई साहब उतरी, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये क्या हुआ? एक सेकंड भाई, पीछे की तरफ में कोई धमाका हुआ। वो भाई साहब लग रहा है भाई यहाँ पर पुलिस वाले अभी भी हमें ढूंढने में लगे हैं और वहां पर ना पीछे कोई ना कोई धमाका तो हुआ है, मेरे को ढंग से नजर नहीं आ रहा। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर ना सामने की तरफ में देख पा रहे हो, किसी ना ट्रक का यहाँ पर मेरे को लग रहा है एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सही टाइम है, पुलिस वालों को ना अभी हमारे ऊपर ध्यान नहीं होगा। पीछे की तरफ में ना यार बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, तो यही सही टाइम है, जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। और इनको देखो भाई साहब, यहाँ पर अपना फोन चलाने में लगा हुआ है और ये अपना लाइफ इन्वेडर चला रहा है बैठ के। अबे जल्दी गाड़ी में बैठो, यहाँ से निकलना है। मेरे हिसाब से हमारे ऊपर पुलिस वालों को पूरा ध्यान नहीं होगा इस टाइम पे। तो जल्दी से अभी ना मैंने इन दोनों को भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया है। और यार मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस साइड से एग्जिट करना चाहिए। अब यार देखो, अगर एग्जिट करते समय पुलिस वालों ने हमें देख लिया तो फिर और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, मतलब कल की तरह दोबारा से पुलिस हमारे पीछे पड़ सकती है। तो अभी ना मेरे को एकदम चुपचाप से एग्जिट करना होगा। सामने की तरफ में चलकर देखते हैं क्या सीन है। और यहाँ पर ना पीछे की तरफ में पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी हुई थी, अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे को नहीं देखा। तो गाइस अभी ना फटाफट से ये वाला जो एरिया है ना थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ है, तो अपनी जो जीप है उसको मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ। लेकिन यार यहाँ से अगर मेरे को इस गाड़ी को बाहर निकालना होगा तो वो मैं कैसे निकालूंगा? खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर जब पुलिस वालों का जो मामला है थोड़ा सा शांत हो जाएगा ना, तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी फटाफट ना सामने की तरफ में एक ट्रेन की पटरियां जा रही हैं, लेकिन यार ये वाला जो रास्ता है ना ये चारों तरफ से बंद है भाई। अभी कोई ना कोई रास्ता तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। पीछे की तरफ में ना यहाँ पर एक सीढ़ी है, इसके ऊपर चढ़कर देखते हैं यार कोई तो रास्ता होगा। प्लीज यार जल्दी से कोई ना कोई अगर रास्ता जल्दी जल्दी मेरे को मिल गया ना तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, वरना हम लोग भाई साहब यहीं पर घूमते रह जाएंगे। वो देखो सामने की तरफ में ना ये वाली जो बिल्डिंग है शायद से ब्रिज से कनेक्ट है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर जंप मारूंगा तो मैं ब्रिज पर चले जाऊंगा। और ये दोनों कहाँ पर रह गए भाई? इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी से आओ भाग भाग के। तो वो देखो अभी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर तो भाग कर आ रहा है, लेकिन ड्राइवर धीरे धीरे आ रहा है, तो अभी जल्दी से मैं कूद के उस तरफ में चलता हूँ। और यहाँ पर ना एक वैन भी खड़ी हुई है किसी की, चलो भाई बहुत सही। अभी वो देखो सामने की तरफ में भी पुलिस वाले बैठे हैं, लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि हम लोग ये अजीब से रास्ते से भी आ सकते हैं। तो कहीं सर मुझे ना यहाँ पर बैठे बैठे इतनी देर हो गई और ट्रैवर और लेस्टर पता नहीं कहाँ पर रह गए, समझ ही नहीं आ रहा। और सामने पुलिस है भाई, मेरे को लग रहा है ये दोनों मेरे को फंसवाना चाहते हैं, कहाँ चले गए ये लोग। ओ भाई साहब ये देखो लेस्टर नीचे बैठा हुआ है, लग रहा है ये लोग ना उस साइड से ही टाप के आ गए। कोई दिक्कत नहीं, तुम वहीं रुको, मैं जल्दी से अपनी वैन को ना नीचे घुमा कर ले आता हूँ। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन से रास्ते से नीचे निकल गए और सामने पुलिस है। जल्दी से ना अपने इस ट्रक के पीछे अपनी वैन ले जाऊंगा ताकि ये लोग ना देख भी नहीं पाए। फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को इधर मोड़ लेता हूँ। चलो भाई अभी ना बहुत ही ज्यादा चतुराई से यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी जो है मोड़ ली है। देखो ये आ गए ट्रैवर और लेस्टर कहाँ पर रह गया भाई? ये कौन कौन से रास्ते से आ रहे हैं? मतलब मेरे से भी ज्यादा सीक्रेट रास्ते से आ गए ये लोग तो। और ये देखो अगर मैं इधर से आता ना मुझे यहाँ पर भी एक वैन मिल जाती और साथ में एक सुपर कार भी इधर खड़ी हुई है। और ये क्या टू सीटर है क्या यार? पीछे वाली सीट पर बैठ जा। लेस्टर पीछे वाली सीट पर बैठने को राजी नहीं है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ना सामने एक गाड़ी और खड़ी है, जल्दी से ना इस वाली गाड़ी को मैं निकालता हूँ। और अभी ना मेरे को दूसरे वाले रास्ते से यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा क्योंकि सामने पुलिस है और अगर पुलिस ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और इस गाड़ी में सायरन नहीं बजा, अच्छा हुआ, वरना सायरन बजता तो पुलिस चेक करने जरूर आते कि आखिरकार गाड़ी किसने चुराई। अभी फटाफट से यहाँ पर लेस्टर जो हमारी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। मतलब कि यार इतनी ज्यादा बड़ी गाड़ी थी वो वैन, उसके अंदर लेस्टर नहीं बैठा भाई। लेस्टर के भी अपने अलग ही शौक हैं। तो भी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर से मैं नीचे कुदा दूं, कोई रिस्क तो नहीं है, पता चला है सीधा यहाँ पर धमाका ही होगा। नहीं 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 नहीं, आराम से कूद गई अपनी गाड़ी, लेकिन ये पलटने का नाम नहीं ले रही। चलो भाई बहुत सही। तो चलो गाइस फाइनली हमारी जो गाड़ी है वो एकदम सही हो चुकी है और अभी
अभी ना मुझे इस वाले रास्ते से ऊपर जाकर अपनी गाड़ी को यहाँ पर बाहर निकाल लेने है। चलो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया, पुलिस का ध्यान हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। और अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा ट्रैवर के घर पर चलते हैं, क्योंकि ट्रैवर के घर के बारे में पुलिस वालों को नहीं पता। वहां पर चलकर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे करना क्या है, मतलब कि अभी आपको पता होगा बिग माफिया के बेटे को हमने खत्म नहीं करा है, तो हो सकता है कि वो हम पे दोबारा अटैक करे। उन लॉस्ट गैंग के बंदों पे ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस टाइम वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े बदमाश समझ रहे थे ना, उनको मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। सबसे पहले ना अभी आज जाते ही लॉस्ट गैंग को मारूंगा। और देखो भाई साहब, इस तरफ में भी पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी है। मैंने आपको कहा था ना, ये वाला जो पूरा पूरा एरिया है ना, पुलिस वालों ने ब्लॉक कर दिया, मतलब सील कर दिया है, ताकि कोई भी अंदर ना ही अंदर आ पाए ना ही कोई बाहर जा पाए। तो चलो यार सही रास्ते से हम लोग बाहर आ गए, किसी भी पुलिस वालों ने हमें नहीं देखा। तो अभी ना सबसे पहले तो मुझे गाड़ी बदलनी पड़ेगी। ये जो गाड़ी है ना भाई, बहुत ज्यादा बेकार है, मतलब कितनी ज्यादा स्लिप हो रही है ना भाई, हल्की सी ब्रेक और टर्न देते ही सीधा दीवार में भिड़ रही है। और सामने की तरफ में पुलिस वालों की तो गाड़ी नहीं है, नॉर्मल गाड़ी है। खैर तो भी जल्दी से चल लेते हैं सीधा ट्रैवर के घर पे। तो गाइस अभी फिलहाल मैं जा रहा था सीधा ट्रैवर के घर पर, क्योंकि फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया भी वहीं पर है, तो आगे प्लानिंग डिस्कशन वहीं पर करनी थी। बट यार अभी ना ट्रैवर कह रहा है कि सबसे पहले मेरे घर पर चलो, क्योंकि यार आपको याद होगा लास्ट टाइम जो 500 मिलियन डॉलर सॉरी 600 मिलियन डॉलर का जो कैश था और बहुत सारा सीक्रेट बेस का जो गोल्ड था, वो सारा का सारा अभी ना लेस्टर के घर पर ही है। तो हमें ना जाकर कंफर्म ये करना है कि वो अभी भी वहां पर है या फिर पुलिस वालों से लेकर जा चुके हैं। तो जल्दी से भी चलकर देखते हैं कि क्या हमें वो मिलता है या फिर नहीं। तो भी फटाफट यार मैं भी ये बात सुनने के बाद सीधा जाने वाला हूं ट्रैवर के घर पर अपनी गाड़ी भगा कर। तो गाइस अभी फिलहाल अपनी गाड़ी भगाते हुए थे, पहुंचने वाला हूं मैं सीधा लेस्टर के घर पर। और आप लोग ने यहां पर देख पा रहे हो अपनी गाड़ी इतनी ज्यादा बढ़िया चल रही थी, लेकिन पीछे की तरफ मैंने इसकी बहुत बुरी वाली टक्कर लगी और यहां पर इसने ड्रामे दिखाना शुरू कर दिया। मतलब यार ये देखो, यहां पर जब भी मैं इसमें रेस दे रहा हूं ना, इसका आगे वाला टायर जो है बिल्कुल अटक जा रहा है। और यहां पर देखो सबसे अच्छी बात यह है कि लेस्टर के घर पर मैं काफी ज्यादा सेफली पहुंच गया हूं, और सामने की तरफ में जिस ट्रक के अंदर अपना 600 मिलियन डॉलर का कैश था, वो ट्रक भी यहां पर खड़ा हुआ है। एक बार ना मैं पीछे की तरफ में देखकर आता हूं कि जो गोल्ड ये लोग सीक्रेट बेस से लेकर आए थे, वो गोल्ड यहां पर है कि नहीं है। फिलहाल यहां पर जितने भी बैग्स थे उसमें से एक भी बैग मेरे को यहां पर नजर नहीं आ रहा है। और सामने की तरफ में पता नहीं किसका डॉग है, भाई भाई बार बार भौंके जा रहा है, कहीं टाप के इधर आके मेरे को काटने न लग जाए। एक बार ना जल्दी से इसके अंदर चेक करता हूं कैश है कि नहीं है। भाई मेरे को लग रहा है गोल्ड किसी ने चुरा लिया, क्योंकि वो भारी रखा हुआ था। कैश चेक कर लेते हैं किसी ने चुराया है या फिर नहीं। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, इस वाले ट्रक के अंदर ना 600 मिलियन डॉलर कैश जो एकदम सही सलामत पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और यहां पर ना लेस्टर कह रहा है कि जो उसका पार्टनर है, जो कि गोल्ड लोड करवा रहा था, उसने ना कुछ बैग्स जो है ना इसके घर में रख दिए थे संभाल के, और जो बाकी बैग्स है वो बाहर रह गए थे। तो देखो भाई, यहां पर जो चार बैग उसने घर के अंदर रखे थे फिलहाल वो तो सारे के सारे सेफ है, लेकिन जितना भी गोल्ड बाहर रह गया था वो सारा का सारा पुलिस लेकर जा चुके हैं, या फिर पता नहीं किसी ने चुरा भी लिया होगा। तो ना अभी लेस्टर कह रहा है कि उसे ना इस घर में नहीं रहना, मतलब कि यार उसे भी पता चल चुका है कि यहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। और वो ये भी कह रहा है कि यार माइकल तुम्हें भी अब ये जो जगह है, ये जो शहर है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो लेस्टर दो ऑप्शन दे रहा है, या तो अंडरग्राउंड हो जाओ या फिर किसी दूसरे शहर में चलो। तो देखो यार अंडरग्राउंड कौन रहेगा भाई, कुछ दुनिया ही नहीं बचेगी अगर हम लोग अंडरग्राउंड चले जाएंगे। बट हाँ ये बात है, अंडरग्राउंड जाने के बाद ना हम लोग पूरे सेफ हो जाएंगे। तो अभी मैंने लेस्टर को अंडरग्राउंड जाने से तो मना कर दिया, मैंने उसको बोल दिया कि हम लोग किसी दूसरे शहर में चलते हैं। तो यहां पर ना लेस्टर कह रहा है कि ना इसके पास एक घर और है, जिसके लिए ना इसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मतलब इसका घर नहीं है वो, उसको पैसे देने पड़ेंगे। और यहां पर ना ट्रक के मैं गेट बंद करना भूल गया भाई, अभी पैसा चोरी हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। मान लो बाय चांस अभी हम इसे ऐसे खोल के चले जाते, बंदे की तो चांदी लग जाती जो भी इसे सबसे पहले देखता। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने ट्रक के जो पीछे वाले ट्रंक डोर थे वो मैंने बंद कर दिया, और अभी हम जल्दी से जाने वाले किसी दूसरे शहर में कुछ नया घर देखने के लिए। अब यार देखो लेस्टर ने मेरे को बोला तो है वो जो घर है ना बहुत ज्यादा सीक्रेट है, और वहां पर हमें पुलिस वगैरह से डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि पहली चीज वो जो जगह है ना बहुत ही ज्यादा एकदम अलग सी सुनसान सी जगह है, और दूसरी चीज ये है कि लेस्टर वहां पर बहुत ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी भी रखने वाला है। मतलब कि अगर एक बार को मिलिट्री भी आ जाए ना, मिलिट्री के बंदों को भी वो लोग मार देंगे। तो भी फटाफट से उस जगह पर चलकर देख कर आते कि कैसी जगह है, कैसा घर हमें मिलने वाला है। तो लेस्टर कह रहा है कि वो जो घर है ना यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है, लेकिन यार बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को हाईवे पर भगाता भगाता पहुंच चुका हूँ डेजर्ट साइड पर, और यहाँ से भी अभी लेस्टर का जो सीक्रेट वाला हाउस है वो थोड़ा बहुत दूर है। और यार मुझे पता है क्या लग रहा था कि पहले हम लोग उस जगह पर जाएंगे, घर को देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। लेकिन भाई लेस्टर पहले से उस घर को फाइनल करके बैठा हुआ है, बस वो ये कह रहा है कि एक बार तुम लोग भी देख कर आ जाओ, फिर उस घर की जो है हम पेमेंट कर उसे अपना घर बना लेंगे। तो भी ना जल्दी से भाई देख कर आते हैं, अब घर तो बदल नहीं सकते, मतलब लेस्टर ने बोल दिया तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यार लेस्टर कोई भी डिसीजन अगर लेता है तो कुछ सोच समझ के ही लेता है। तो भी ना फटाफट से हम लोग वहां पर चलते हैं, और यार गूगल मैप्स में भी दिखा रहा है कि वो जो घर है ना थोड़ा बहुत दूर है अभी यहाँ से, तो ज्यादा ना टाइम ना लगे, इसलिए अपनी गाड़ी को ना मैं अभी बहुत ज्यादा तेज भगाने वाला हूँ। मतलब कि यार बिल्कुल भी ब्रेक में लगाऊंगा ही नहीं, अब चाहे कहीं पर भी ठुके कहीं पर भी भिड़े, अपनी गाड़ी अब चलने वाली है बहुत ज्यादा तेज। तो ये देखो भाई, यहाँ पर अंदर एंटर होने का रास्ता यहीं से है क्या? ओके ओके ओके, तो चलो भाई अंदर जाने का रास्ता ना यहीं पर। सामने की तरफ में एक डॉग भी खड़ा हुआ है, और मेरे को लग रहा है यहाँ
पर बंदे भी हैं सिक्योरिटी के लिए। चलो भाई बहुत सही। और यहाँ पर ये गेट खोलने के लिए कोई भी वॉच गार्ड नहीं है क्या भाई? क्या सीन है ये? मेरे को गेट तोड़ के जाना पड़ रहा है पहले दिन भी। तो थोड़ा सा ना मैं और आगे चलता हूँ। यहाँ पर पीछे की तरफ में एक स्नाइपर टावर है जिसके ऊपर हम लोग एक स्नाइपर बैठा देंगे ताकि अगर दूर से पुलिस आ रही होगी तो पहली चीज तो हमें इन्फॉर्म कर देगा और उनको मारना भी शुरू कर देगा। और सामने की तरफ में आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा बड़ा सी है और काफी ज्यादा वंडरफुल यहाँ से नजारा हमें मिलने वाला है। और लेफ्ट में भी एक गाड़ी खड़ी है और ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है? पहले मैं रास्ता देख कर आऊंगा फिर यहाँ पर अंदर जाकर देखेंगे क्या सीन है। तो बाकी ये जो रास्ता है ना मेरे हिसाब से पीछे की तरफ में गया हुआ है। और भाई साहब ये देखो यहाँ पर भी एक स्नाइपर टावर है, मतलब कि इस बार जो लेस्टर ने सिक्योरिटी रखी है चाहे बंदा एयर अटैक करे चाहे ग्राउंड अटैक करे और चाहे वाटर अटैक करे कहीं से भी हमें नहीं मार सकता है। लेकिन अगर उसने अंडरग्राउंड अटैक कर दिया तो भाई कुछ पता नहीं। खैर छोड़ो कोई नहीं, यहाँ पर इतना चेक कर लिया, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है वो भी बहुत है। बाकी ना एक बार थोड़ा सा और आगे चलकर देख लेता हूँ भाई यहाँ से जो नजारे है ना यार वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मतलब क्या ये देखो। और यहाँ पर कुछ बंदे आए हैं अपना कैंप लगाकर रह रहे हैं, तो चलो यार अच्छी बात है टूरिस्ट लोग हैं। अपना थोड़ा सा मैं वापस निकल लेता हूँ अपने घर की तरफ। बस यार देखो लेस्टर ने ना घर इस जगह पर इसलिए लिया है क्योंकि ना पहली बात यहाँ पर किसी को शक ही नहीं होगा कि कोई रहता भी है, और अगर पुलिस वाले यहाँ पर आते भी हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा रास्तों से भाग भी सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ना यहाँ पर वो देखो लेस्टर ने ना हेलीकॉप्टर का भी जुगाड़ करवा रखा है। तो थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ। तो चलो गाइस अभी फटाफट से मैं अपने घर की तरफ में वापस निकल लेता हूँ और अपना घर को अंदर से चेक करते हैं कि आखिरकार घर अंदर से देखने में कैसा है। और ये देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी यहाँ पर वॉल भी बना रखे हैं लोगों ने और उसके ऊपर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लेस्टर ने धरे हुए हैं, मतलब कि ये ना सारे के सारे ब्लैक ऑप सोल्जर मेरे को लग रहे हैं जो कि शायद से पैसों के लिए काम करते हैं। तो लेस्टर ने भी पैसे देके इन्हें अपने अंडर कर लिया है। तो अभी अपने पास भाई 600 मिलियन डॉलर पड़े हैं तो सारा का सारा पैसा इनके मुंह पे मारेंगे ताकि ये लोग हमारी सही से सिक्योरिटी करें। अब यार देखो कितने ज्यादा तगड़े यहाँ पर टैंक है, मिलिट्री वालों से भी तगड़े टैंक है। तो एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना मैं यहीं पर पार्क करता हूँ। लेकिन यार यहाँ पर ना साइड में रेंज रोवर की कॉपी खड़ी हुई है जो कि देखने में बहुत ओपी लग रही है। तो भी फटाफट से मैं चलता हूँ थोड़ा सा अंदर। और यहाँ पर गिटार विटार बजाने के पैसे मिल जाएगा तुम्हें भाई लेस्टर, देख ये लोग क्या कर रहे हैं भाई। हम लोग इनको यहाँ सैलरी देंगे, मैं देख रहा हूँ कौन कैसा काम कर रहा है। और यहाँ पर जितने भी बॉडी गार्ड्स वगैरह वो गिटार बजा रहे खड़े हो गए। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पर घर के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से भाई? अच्छा सामने की तरफ से, वही मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं यार सामने से भी नहीं है, इधर गेट ही गेट लगे पड़े हैं, यहाँ से शायद से मेरे को लग रहा है जंप करके जाना पड़ेगा। ओके 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 सॉरी सॉरी, बाहर की तरफ से रास्ता है। तभी मैं कहूँ ड्राइवर क्यों नहीं आ रहा, ड्राइवर हमसे ज्यादा समझदार निकला। तो भी ड्राइवर हमारे पीछे आएगा। और एक बार ना मैं घर के अंदर देख कर आता हूँ कि घर आखिरकार इन्होंने बनाया कैसे है, मतलब क्या लेस्टर ने तो ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर रखा है क्योंकि लेस्टर इस घर को फाइनल करके गया कि ये लेना ही लेना है। और यहाँ पर ये बाहर की तरफ में कुछ असिस्टेंट बैठे हुए हैं तो पता नहीं इनका क्या सीन है। और यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं, कुछ ना अजीब सी मेरे को आवाज आ रही है, एक सेकंड, किसी अजीब सी मशीन की आवाज आ रही है। रुक जाओ थोड़ा सा और आगे मैं चलकर देखता हूँ। और ये क्या उल्टी सीधी चीजें रखी हुई है भाई लेस्टर ने, लेस्टर पर भी ये सब सामान है भाई, क्या बात कर रहे हो। तो चलो गाइस अभी ना थोड़ा सा मैं आगे चलकर देखता हूँ कि इस वाले गेट के अंदर क्या है। फिलहाल यहाँ पर भी पासपोर्ट लगा हुआ है लेकिन अभी मुझे एंटर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अभी सारे के सारे गेट ओपन है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस यार ये तो सर्वर रूम है। ओ भाई साहब ये भाई लेस्टर लग रहा है कुछ बहुत ही ज्यादा तगड़ा करने वाला है, मतलब कि यार यहाँ पर ना बहुत सारी अभी हार्ड डिस्क कनेक्ट हो रखी है जिसके अंदर काफी ज्यादा डेटा स्टोर होगा। और यहाँ पर इतने सारे सर्वर इसने कनेक्ट कर रखे होंगे ना भाई क्या ही बताऊं। अब भाई मुझे भी नहीं पता लेस्टर यहाँ पर क्या सोच के बैठा हुआ है, क्या करना चाहता है कुछ नहीं मालूम। लेकिन यार जो भी चीज इसने बनाई है ये बिल्कुल अपने हिसाब से बनवाई है। भाई घर के अंदर क्या होता है, एक बेड होता है, फ्रिज होता है और दो तीन रूम्स होते हैं। लेकिन भाई इस घर के अंदर क्या है, एक रूम के अंदर अलग अलग मशीनें पड़ी है, एक रूम के अंदर वेपन्स पड़े हैं, तो ये आ गया ऑफिस। चलो फाइनली अब जाकर मुझे एक रूम समझ आया है। तो यहाँ पर ये तो ऑफिस है और ये है लेस्टर का टेबल, लेकिन इसमें मैं बैठूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे लेस्टर भी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मैप दे रखा है जिसके अंदर लेस्टर जो है पूरा पूरा प्लान हमें समझाया करेगा क्या करना है कैसे करना है। और यहाँ पर है काफी ज्यादा बढ़िया नजारे, मतलब कि यार अब आई ना घर की लुक बहुत ज्यादा बढ़िया। तो मेरे हिसाब से ये इतना ही बड़ा घर है कि और भी नीचे यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, मतलब कि यार यहाँ पर हम सोएंगे खाएंगे कहाँ पर। तो यहाँ पर शायद से नीचे भी एक फ्लोर है, तो चलो नीचे चलकर देखते हैं क्या पता यहाँ पर कुछ तगड़ा देखने को मिले। और देखो जो मैं कह रहा था ना मिलियन डॉलर्स की पेंटिंग्स, वो भी लेस्टर के पास यहाँ पर धरी हुई है, लेकिन ये तो बहुत महंगी होती है, लेस्टर के पास कंफर्म नकली वाली होगी। पता नहीं यार क्या सीन है, हो सकता है असली भी हो। तो थोड़ा सा मैं अंदर चलकर देखता हूँ यहाँ पर क्या सीन है। उतरी अंदर भी भाई यहाँ पर इतने सारे वेपन्स रखे हुए हैं भाई, लेस्टर ये क्या करना चाहता है भाई। ये देखो मैं एम्यूनेशन की शॉप पे जाके वेपन्स खरीद रहा हूँ और यहाँ पर लेस्टर ने पूरी की पूरी दुकान लगा रखी है, तो मैं यहीं से सारे वेपन्स उठा लूंगा भाई, वेपन्स की बहुत जरूरत है। अभी थोड़ा सा और आगे चलता हूँ
और यहाँ पर फाइनली अब जाकर मेरे को वो एरिया मिला जहाँ पर मैं बैठ के टीवी देख सकता हूँ। भाई ये क्या घर बनाया, मतलब कि कोई तमीज ही नहीं है भाई घर बनाने की, कुछ भी बनवा दिया भाई लेस्टर ने अपने हिसाब से। और यहाँ पर एक और ऑफिस है भाई, कितनी ज्यादा मीटिंग करेगा लेस्टर भाई कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी ये जो घर है इतना ही है या फिर और भी नीचे हम लोग जा सकते हैं वो मुझे देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ से आगे जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं है, और अगर नीचे जाने का रास्ता होगा तो वो यहीं से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर ना इस तरफ में एक ओके बाहर से सीढ़ी का रास्ता है, जो चलो यहाँ से ना मैं सबसे पहले बाहर निकलता हूँ। और गेट कौन सा था, वो रहा गेट सामने की तरफ में, यहाँ से राइट चलते हैं और नीचे चलकर देखते हैं क्या बना हुआ है। तो भाई यार देखो, मुझे सबसे ज्यादा मजा तो शोरूम के बिजनेस में आता है, मतलब क्या नई गाड़ी का ऑर्डर आएगा फिर उस गाड़ी को ला कर देंगे डिलीवर करके आएंगे, वो जो चीज का मजा है ना वो अलग है। बट यार लेस्टर के लिए ना ये वाले काम भी हमें करने पड़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई देखो यार मैं तो चाहता हूँ कि एकदम सही तरीके से पैसा कमाया जाए, कोई भी चोरी चकारी ना करें, सब कुछ छोड़ दें। बट यार लेस्टर जो है ना वापस से उसी पटरी पर ले आता है हमें, क्योंकि यार देखो लेस्टर चाहता है कि वो एक ही बार में 500 मिलियन डॉलर कमा ले, और हम चाहते हैं कि भाई 5-5 लाख करके धीरे धीरे करके जैसे तैसे हम लोग 500 मिलियन डॉलर कमाएं। बट यार लेस्टर उस टाइप का बंदा नहीं है। तो भी फटाफट हम लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं, और इधर की तरफ में भी एक रूम है जो कि शायद से मैंने चेक नहीं करा, तो अभी अंदर चलकर देखता हूँ। यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, शिट यार वापस से मैं वहीं पर आ गया। बट यार इस घर से ना मुझे एक कमी है, एक दिक्कत है, इस घर में यार कहीं पर भी ना बेडरूम नहीं है, और घूम फिरा कर मैं वहीं पर आ जाता हूँ। मुझे ना इस घर का ढंग से एक तो रास्ते वास्ते भी याद नहीं हो रहे हैं, तो लेस्टर को ना एक बेडरूम भी बना देना चाहिए था इस घर पे। वैसे घर इतना बुरा नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगा। बाकी यार इस घर में हेलीकॉप्टर भी था यार, जो कि मुझे अभी तक दिखा नहीं है, तो शायद से यहाँ पर ना ऊपर जाने का भी कहीं ना कहीं से तो रास्ता है, तो मुझे वो रास्ता ढूंढ के पहले ऊपर जाना पड़ेगा, क्या पता ऊपर हेलीकॉप्टर हो। तो ओके गाइस यार ये देखो, ये रहा ऊपर जाने का रास्ता, मतलब कि यार मैंने पूरा का पूरा घर एक्सप्लोर कर लिया और अब जाकर मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिला। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इन्होंने क्या बना रखा है। तो देखो भाई अब जाकर मुझे एक बेडरूम दिखा है, यानी कि अब जाकर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं किसी घर के अंदर आया हूँ। मतलब अभी तक तो हर रूम में वेपन्स गन्स और कुछ भी नहीं था, और फिलहाल यहाँ पर इस वाले रूम के अंदर साफ सफाई का सामान रखा हुआ है, और इधर ना काफी सारी वॉचेस रखी हुई है, शायद से लेस्टर की वॉच कलेक्शन है, मतलब कि यार बहुत ज्यादा वॉचेस इसके पास पड़ी हुई है। तो अभी ये देखो भाई अब जाकर मुझे लग रहा है कि मैं किसी घर के अंदर आया हूँ, मतलब कि अभी तक मुझे किचन भी कहीं नहीं दिखा था। तो फाइनली यहाँ पर किचन भी है, डाइनिंग टेबल भी है जहाँ पर हम लोग बैठकर सभी लोग खाना खाएंगे, और थोड़ा सा आगे भी एक रूम है, और ये वाला रूम तो फिलहाल पूरा खाली पड़ा हुआ है, यानी कि इस रूम के अंदर भी डिसाइड नहीं है क्या रखना है क्या नहीं रखना। और इस तरफ में एक और एरिया जहाँ पर हम लोग बैठ के टीवी देख सकते हैं, और यहाँ पर एक रूम और है अलग से। इस रूम के अंदर क्या, ओ भाई साहब फाइनली बाथरूम भी मेरे को देखने को मिला, यानी कि जो घर है ना इस घर के टॉप फ्लोर पर है वो सब सामान, मतलब कि बाथरूम हो गया अपना, बेडरूम हो गया, टीवी देखने का एरिया हो गया, सब कुछ। और यहाँ पर ये देखो, ये ऑफिस होगा लेस्टर का या फिर माइकल का। देखो यार इस घर में ना दो ऑफिस है, अब एक लेस्टर लेगा एक माइकल लेगा, बाकी फ्रैंकलिन और ट्रेवर को हम लोग अपने साथ ही रखेंगे, ऐसा नहीं है उनकी वैल्यू कम है, लेकिन यार हमें अपने ऑफिस में बैठने का ज्यादा शौक है। तो अभी फिलहाल जल्दी से मैं बाहर निकलता हूँ और यहाँ पर ना और एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल ऊपर जाने का ना अभी एक फ्लोर और है, तो शायद से ना मेरे को दूर से एक हेलीकॉप्टर दिखा था, तो वही हेलीकॉप्टर खड़ा होगा छत पे, और क्या हो सकता है। तो ये देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर छत पे एक हेलीकॉप्टर भी है, और यार जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो मतलब एकदम मस्त हेलीकॉप्टर है। और यहाँ पर ना अभी लेस्टर ने देखो बंदे रखे हुए, ताकि अगर कल को वाटर अटैक भी होता है तो यहाँ पर से हमें पहले ही पता चल जाए। और सामने की तरफ में व्यू देख पा रहे हो कितना ज्यादा बढ़िया, एक लाइट हाउस है जो कि मेरे को और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि ये जो घर है ना भाई मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बताना, और मुझे ये भी बताना कि हमें यहाँ पर रहना चाहिए या फिर अपने ही वापस पुराने वाले घरों पर चले जाना चाहिए। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो बिग माफिया वाला हाउस था, मतलब कि वो जो हाईवे वाला मेंशन था, उसमें क्यों नहीं जाके रह रहे। तो देखो भाई सीधी सी बात है, वहां पर ना पुलिस वालों का रिस्क बहुत ज्यादा है, कभी भी अगर पुलिस आती है तो सीधा घर के अंदर घुस के ही मारती है। तो ये सब जो एरिया होते हैं ना यहाँ पर पुलिस इतनी ज्यादा नहीं आती और इतनी जल्दी भी नहीं आते, तो यहाँ पर हमें ना छुप के रहना है। तो भाई यार देखो मेरे हिसाब से ये जो जगह है, ये जो घर है ना बहुत ज्यादा बेस्ट है, मतलब कि अगर हम लोग लॉस एंजेलिस में कोई भी क्राइम करते हैं या फिर पुलिस हमारे पीछे पड़ जाए तो यहाँ पर हम लोग आकर छुप सकते हैं, वरना तो यार छुपना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी यार घर जो है ना देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो भी ना लेस्टर को अपने साथ जो है लेकर चल लेते हैं इस जगह से अभी, क्योंकि बाकी काम भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस अभी फटाफट से मैं चलता हूँ गाड़ी में बैठने, लेकिन ना इस साइड पर मैंने अपने घर को ना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर नहीं करा, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इस तरफ में भी कुछ सोल्जर्स हैं जिनकी सिक्योरिटी चल रही है। फिलहाल ये सोल्जर्स नहीं है, ये लोग हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, और इनके लिए भी काफी सारे वेपन्स यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर ना भाई गाड़ियां आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज्यादा तगड़ी तगड़ी कार है, और ये जो कार है ना हमारी कार से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन उतनी ज्यादा बुलेट प्रूफ नहीं है क्योंकि हमारी कार को मॉडिफाई करा है बैनी ने। तो भाई देखो बैनी से अच्छा कोई भी मॉडिफायर है नहीं। तो भी जल्दी से मैं गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ पर बैनी भी आ जाए, फिर हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। और बैनी कहाँ पर रह गया, बैनी जल्दी आ गाड़ी में यार, इतना ज्यादा मेरे पे वैसे भी टाइम नहीं है। और यहाँ पर ना पीछे की तरफ में एक रेंज खड़ी है, शायद से ये भी हमारे यूज के लिए है। तो कि गाइस अभी फिलहाल तीनों लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो जल्दी से मैं अपनी रेंज रोवर को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। अब यार देखो ये ना रेंज रोवर नहीं है, मतलब ओरिजिनल रेंज रोवर नहीं है, बट लुक वाइज ना एकदम रेंज रोवर जैसी है। और जब भी मैं इस गाड़ी को चलाता
हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ भाई मैं रेंज रोवर को ही ड्राइव कर रहा हूँ। अब देखो यार दोनों गाड़ियों में ना बस डिफरेंस इतना ही है कि जो रेंज रोवर है ना वो वेट में इससे थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है ना वो इससे बहुत ही ज्यादा बेटर है। अब यार देखो हमें ना इस गाड़ियों की जरूरत जो है ना बहुत ज्यादा पड़ती है जब भी हम पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यार उस टाइम पर ना कोई भी सुपर कार या फिर सुपर बाइक उतनी ज्यादा काम नहीं आती जितनी ज्यादा एक एसयूवी काम कर देती है। क्योंकि यार देखो यहाँ पर जो लॉस एंजेलिस की पुलिस है ना वो कि हल्की फुल्की पुलिस है नहीं कि तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी अगर तुम एक सुपर बाइक या लैम्बोर्गिनी में बैठ जाते हो तो भाई तुम कितनी भी तगड़ी गाड़ी ले आओ कितनी भी तेज भगा लो वो तुम्हारा पीछा करके जरूर बच जाएगी। तो भाई देखो सीन क्या होता है, समझ लो तुम्हारे पास एक सुपर कार है या फिर एक सुपर बाइक है और सामने की तरफ में ना रोड पूरा ब्लॉक हो रखा है, मतलब कि पुलिस वालों ने दो दो ट्रक लगा रखे हैं, तो उस टाइम पर तुम अगर सुपर बाइक से टक्कर मारोगे तो सीधी सी बात है तुम्हारा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होगा, और या फिर अगर तुम लैम्बोर्गिनी से टक्कर मारोगे रास्ता साफ करने के लिए तो तुम्हारी लैम्बोर्गिनी चूरम चूर हो सकती है लेकिन सामने वाला ट्रक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और वहीं पर अगर हम लोग अपनी रेंज रोवर से टक्कर मारते हैं तो भाई फिर उस टाइम पर ना ट्रक रस्ते से हटता नहीं है, ट्रक सीधा पलट जाता है और रास्ता पूरा खाली हो जाता है, तो इसीलिए मेरे को रेंज रोवर बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। तो भाई यार देखो मुझे ना फोर सीटर में तो दो ही कार सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, रेंज रोवर और रोल्स रॉयस। आपको कौन कौन सी लगती है कमेंट में जाकर जरूर बताना। फिलहाल जो भी अभी ना बात है हम लोग बाद में करेंगे, जल्दी से मैं निकल लेता हूँ लॉस सैंटोस के लिए क्योंकि यहाँ पर ना अभी दो तीन काम हो रहा है जो कि मुझे करने हैं। बैनी का भी फोन आया कि ना काफी सारी कार की डिलीवरी कर आनी है, हमारी ना शोरूम से पांच कार्स और बिक गई है, तो पांच कार की डिलीवरी करने कितना ज्यादा मजा आने वाला है और कितनी ज्यादा कमाई भी होने वाली है। तो भी जल्दी से निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए थे लॉस सैंटोस वापस आ चुका हूं ट्रेवर और लेस्टर के साथ। तो सबसे पहले मैं जाने वाला हूं सीधा ट्रेवर के घर पर क्योंकि अभी फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया भी वहीं पर है, तो एक दिन के लिए लेस्टर भी वहीं पर रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग अपने सीक्रेट बेस यानी कि जो भी हमने घर खरीदा है वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब यार देखो ना सारे के सारे माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन अंडरवाटर माफिया सब लोग एक साथ रहेंगे ताकि अगर पुलिस आए तो ऐसा ना हो कि भैया लेस्टर अकेला रहता था इसलिए इसे किडनैप कर ले गई। वैसे तो लेस्टर किडनैप करके ना ले जा पाती क्योंकि लेस्टर ने उस दिन वाइन भी रखी थी, ये थोड़ा सा नशे में था इसलिए इसको पता नहीं चल पाया कि पुलिस आ रही है और पुलिस इसे पकड़ कर ले गई। तो अभी ना हम लोग पांचों माफिया मिलकर एक साथ रहने वाले हैं, मतलब कि अब चाहे पुलिस भी आ जाए या मिलिट्री भी आ जाए या फिर बिग माफिया का बेटा भी आ जाए कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यार वैसे ना बिग माफिया के बेटे से थोड़ा डर तो है क्योंकि उसके पास ना बहुत ज्यादा वेपन्स है, बहुत ज्यादा फौज है उसके पास, तो वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए हम पांचों भी ना साथ रह रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत इस टाइप की नहीं आनी चाहिए। तो भी जल्दी से जल्दी सीधा हम लोग एक्लिप्स टावर पर, वहां पर मैं ट्रेवर एंड लेस्टर को छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं जाने वाला हूं सीधा अपने शोरूम में क्योंकि मुझे बैनी का फोन आया था और बैनी ने कहा है कि जल्दी से आओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो यार हम भी चलकर देखते हैं ऐसी कौन सी डील है जिसके लिए बैनी मेरे को जल्दी से घर पर आने के लिए बोल रहा है। तो फिलहाल यहां पर एक्लिप्स टावर आ चुका है, मतलब कि ट्रेवर का घर जो आ चुका है, तो जल्दी से यहां पर मैं ट्रेवर और लेस्टर को छोड़ देता हूं, फ्रैंकलिन और वो दोनों तो ऊपर ही हैं। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल ट्रेवर और लेस्टर जो है यहां से जा चुके हैं, हम भी निकल लेते हैं अपने काम के लिए, मतलब कि अभी ना बैनी ने मुझे फटाफट से शोरूम बुलाया है। तो चलो गाइस यार अभी ना बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं करेंगे, मतलब कि अभी मैं थोड़ा सा ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करने वाला हूं ताकि मैं अपने शोरूम पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाऊं। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो मतलब कि एक नॉर्मल रोड पर एक सिर्फ और सिर्फ डबल लेन रोड पर मैंने अपनी गाड़ी को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भगा दिया। भाई वैसे ना इस कार की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है और बातों ही बातों में मैं थोड़ा सा रॉन्ग वे आ चुका हूं, कोई नहीं आगे से बस मुझे एक छोटा सा लेफ्ट कट लेना है। वो देखो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको उस बिल्डिंग के अंदर ही मतलब उसके बेसमेंट में ही हमारा शोरूम है। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ था अपने शोरूम में लेकर आ चुका हूं, बस मुझे अंदर पार्किंग में घुसना है और यहां से सीधा लेफ्ट होना है। ठीक है अभी फटाफट से चलते हैं सीधा नीचे की तरफ में और ये आगे अपना शोरूम। ठीक है अपनी गाड़ी यहां पर पार्क करते हैं और चल कर देखते हैं आखिर बैनी का क्या कहना है। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर अपने शोरूम के अंदर आ चुका हूं, यहां पर ना फटाफट से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो बैनी पता नहीं हमेशा ना कोई गाड़ी यहां पर रिपेयर करता रहता है मॉडिफाई करता रहता है। अभी ना जल्दी से मैं चलकर इससे बात करता हूं आखिरकार कौन सी कार की डील है जिसके लिए इसने मुझे यहां पर इतनी ज्यादा जल्दी बुलाया है। तो की गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर बैनी से पूरी की पूरी बात होगी और इस बार यार बैनी हमारे लिए एक बहुत ही तगड़ी डील लेकर आया है, मतलब कि यार ऐसी डील है कि सुनते ही मैंने हां कर दिया। भाई साहब देखो बिजनेस और डील्स के बीच में सबसे पहली चीज आती है पैसा, तो देखो अगर हम ये वाली जो डील है डन करते हैं यानी कि कंप्लीट करते हैं तो हमें मिलने वाले हैं टोटल $250 मिलियन। अब यार देखो $250 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, इस $250 मिलियन में हम इतनी चीजें खरीद सकते हैं ना पूछो मत। तो भी ना जल्दी से सबसे पहले मैं ऐसे गाड़ी निकालता हूँ फिर आपको बताता हूँ करना क्या है। तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी मैं फिलहाल अपनी गाड़ी को जो है ऊपर पार्किंग में लेकर आ चुका हूँ, सबसे पहले ना मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें $250 मिलियन कैसे मिलने वाले हैं। तो देखो यार वो बंदा जो है ना जो हमसे गाड़ियां खरीदने वाला है तो हमसे टोटल 5 गाड़ियां खरीदेगा और हर एक गाड़ी के वो देने वाला है $50 मिलियन। और भाई $250 मिलियन एक बहुत ही बड़ी रकम है और आप लोग भी अभी सोच रहे हो कि यार $50 मिलियन की कौन सी कार आती है। तो देखो यार ये चीज ना भी मुझे भी नहीं मालूम कि $50 मिलियन की कौन सी कार आती है, अभी तक मैंने सबसे महंगी कार यही देखी थी कॉनिसेक अगेरा
जो कि मैं लास्ट टाइम बेच के आया था, और फिर गोल्ड वोल्ड करा दो कार में तो फिर वो उसकी जो कीमत है वो तो महंगी हो ही जाती है। लेकिन ये जो बंदा ना इसको अपनी कार को गोल्ड भी नहीं करवाना, सिर्फ नॉर्मल एक कार चाहिए। अब पता नहीं ये क्या इसमें मॉडिफिकेशन करवाने वाला है कि ये हमें देगा $50 मिलियन। खैर अभी ना इसने मेरे को बुलाया अरीना वॉर पे, मतलब कि मेज बैंक अरीना पर, अभी मेरे को जल्दी से जल्दी पहुंचना है वहां पर ना, वो मेरा वेट कर रहा है। फिर वो हमें बताया कि तुम्हें कौन सी गाड़ियां मेरे लिए लेकर आनी है, तो भी ना जल्दी से वहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो कि गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए पहुंचने वाला हूं सीधा मेज बैंक अरीना। लेकिन यार मुझे ना इस ड्रेस में $250 मिलियन की डील करते हुए जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कि जो बंदा हमसे डील कर रहा होगा ना, वो भी सोचेगा भाई ये कौन चोर आ गया और डील कहीं कैंसिल करके ना चले जाए। तो इसलिए ना यहां पर एक डिस्काउंट स्टोर नाम की एक शॉप है, तो इससे ना थोड़े ढंग के कपड़े मैं ले लेता हूं। भाई यहां पर ना मेरे को तो नहीं लगता बिल्कुल भी अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं, क्योंकि स्टोर का नाम ही डिस्काउंट स्टोर है, तो सस्ते सस्ते से कपड़े होंगे। लेकिन फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं। अब यार देखो यहां पर ना सारी उल्टी सीधी टी शर्ट है, मेरे को एकदम सिंपल और एकदम प्लेन कपड़े चाहिए। तो यहां पर कुछ जैकेट्स लगी हुई ढंग की, ये भी मेरे को अच्छी नहीं लग रही। यार कुछ प्लेन कपड़े नहीं है क्या यहां पर इनके पास? कुछ टी शर्ट्स है तो इसके अंदर मैं चेक करता हूं। नहीं यार बेकार है, मेरे मतलब की नहीं है। और यहां पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भाई यार देखो आप सबको ही पता है माइकल के ऊपर ना कोट पैंट ही एकदम बढ़िया लगता है। बाकी यहां पर मेरे को अगर नीचे एक पैंट मिल जाती ना भाई, सारी शॉर्ट्स हैं। भाई क्या बेच रहे हो, इतनी बड़ी दुकान खोल रखे, एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है भाई, क्या मजा आके। एक सेकंड रुक जाओ, यहां पर ये वाली टी शर्ट भी मैंने लास्ट टाइम बाय करी थी। यार मेरे को लग रहा है ना मुझे घर पर ही जाना पड़ेगा। और अगर आसपास ये टी शर्ट मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, ये सिंपल है, ये इसमें व्हाइट कलर ले लेता हूं वो और भी ज्यादा बढ़िया है। और यहां पर पैंट मेरे को मिली गई है ग्रे वाली, तो चलो भाई बहुत सही सीन है। यहां पर अब आ रही है थोड़ी सी अच्छी लुक, लेकिन जब यार माइकल कोट पैंट पहनता है तो फिर लुक और भी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। और यहां पर कुछ ग्लासेस है, तो एक ग्लासेस में बाय कर लेता हूं। यहां पर कुछ ढंग के हो तो रुक जाओ, एक भी ढंग का नहीं है भाई, साइंटिस्ट नहीं बनना। ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हां इसमें ना थोड़ा सा पर्पल वाला फिल्टर सा लगा हुआ है, तो चलो भाई थैंक यू मैम। बाकी यार मुझे कोट पैंट चाहिए था, तो यहां पर ना हम लोग थैंक यू से थोड़ा सा अलग तरीके से जवाब देंगे। मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? लेकिन यार देसी कट्टा चलाए भी बहुत टाइम हो गया। ओ भाई नीचे बैठ गई, इसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए आज मैं इसे छोड़ रहा हूं, वरना मैं मार देता। खैर छोड़ो, इसकी कोई गलती नहीं थी। ऐसे ना बंदे मारते रहने चाहिए, इससे क्या होता है खौफ बढ़ता है। तो अभी ना फटाफट से मैं चले जाता हूं सीधा अरीना के लिए। अब जिन लोग को नहीं पता अरीना कहां पर है, देखो भाई ये है अरीना, तो अभी फटाफट से मुझे इस जगह पर जाना है। लेकिन गाइस यार अभी ना एक कमी हो रहा है, वो है मेरी गाड़ी। आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भाई, गाड़ी की ना पूरी धजिया उड़ी हुई है। अगर बाय चांस वो बंदा मेरे को देख लेता है कि मैं इतनी कबाड़ गाड़ी से आऊं, तो भाई मेरा शोरूम कैसे हो सकता है? मतलब कि वो भी सोचेगा जिस बंदे का अपना पर्सनल शोरूम है उसके पास तो तगड़ी गाड़ी होनी चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, पहले मैं अपनी फरारी लेकर आता हूं, यहां से बहुत ज्यादा पास ही खड़ी हुई है। लास्ट टाइम जब मैं अपनी गाड़ी टो करने के लिए लाया था ना, टो ट्रक लेने, तो अपनी फरारी को मैंने इधर ही कहीं पार्क कर दिया था इस वाली बिल्डिंग में। तो अभी जल्दी से मैं यहीं पर चलता हूं सीधा। यहां से रास्ता है क्या भाई साहब? यहां पर कोई भी रास्ता है नहीं। नहीं नहीं नहीं, इधर से एक छोटा सा शॉर्टकट है। ओके ओके ओके, फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं यहां से मोड़ता हूं। और भाई ये वाला रास्ता मेरे को मस्त मिल गया, बहुत जल्दी मैं क्रॉस कर लूंगा। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, पीछे ना एक गाड़ी से टक्कर हुई और मेरी गाड़ी के पीछे वाले सारे पुर्जे टूट के अलग हो गए हैं, और इसीलिए मैं इस गाड़ी को वहां पर नहीं ले जा रहा था। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को भगाकर यहां पर ले आऊं जहां पर मैंने लास्ट टाइम अपनी फरारी को पार्क करा था। और वो देखो भाई, ये रही अपनी LA फरारी, कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और इस बंदे ने भी गाड़ी लाकर पार्क करी, इसके पीछे मैंने अपनी गाड़ी जब पार्क कर दी। और ये शायद से मेरे को बेलास गैंग का ही मेंबर लग रहा है, मतलब इस बंदे की जो शक्ल है ना मेरे को थोड़ी बहुत देखी देखी सी लग रही है। तो ये थोड़ा सा गैंगस्टर टाइप का है। चलो कोई नहीं, इन सबसे बाद में उलझेंगे। अभी मैं नॉर्मली होता ना इससे पंगे जरूर लेता, और अगर ये फिर मेरे से चोड़ा होता तो मैं इसको कूट देता, सही बता रहा हूं। तो अभी जल्दी से, फालतू टाइम तो है नहीं, निकल लेता हूं मैं सीधा अरीना वॉर के लिए। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं मेज बैंक अरीना आ चुका हूं। और यहां पर जो मेन एंट्रेंस है वो कहां पर है मुझे ढूंढनी पड़ेगी, अभी मेरे को मालूम नहीं है। भाई साहब पहले आप ही निकाल लो गाड़ी, मतलब कि जब देख रहा है मैं कट मार रहा हूं, मेरे को जबरदस्ती ब्रेक लगानी पड़ गई। तो अभी जल्दी से मैं चलता हूं, यहां पर एंट्रेंस कहां से है भाई मेरे को समझ नहीं आ रही। एक मिनट, यहां पर शायद से गाड़ी जाने का अंदर रास्ता है, यहां से वैसे पैदल लोग जा रहे हैं। और भाई यहां पर भीड़ तो बहुत ज्यादा लगी हुई है, मतलब यहां पर कुछ तगड़ी चीज होती है। और वहां पर ना देखो इतनी सारी गाड़ियां पार्क हो रखी है, मतलब यहां पर बंदे भी बहुत सारे घूमने के लिए आते होंगे। तो ना अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देता हूं। और यार देखो मैंने ना अभी तक कहीं पर भी लॉस सैंटोस में इतनी ज्यादा गाड़ियां पार्क एक जगह पर नहीं देखी। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, ये अरीना की बिल्डिंग कितनी ज्यादा बड़ी है। अब यार देखो इस जगह पर ना बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। तो जिस बंदे को मैं अपनी 5 गाड़ियां बेचनी है ना, शायद से वो भी किसी टीम का मैनेजर है या फिर लीडर है, जो भी है मतलब ऑनर होगा उसका, सीधी सी बात है। तो यहां पर से हमें अंदर एंटर होना है, यहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ है। और भाई साहब इतनी ज्यादा भीड़ लगी होगी, मैंने सोचा नहीं था भाई। ये देखो मतलब बंदे इतने सारे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, और अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा अंदर किस चीज का टूर्नामेंट चल रहा है। तो अभी ना यहां पर अंदर चलकर देखते हैं। यहां पर लिखा है फेम और शेम, तो ये जो है शायद से कोई डांस का कुछ है यहां पर। तो यहां पर ना मैं नीचे एक बार चलकर देखता हूं, यहां पर किसी टीम का लिखा हुआ है, तो ये बास्केटबॉल टीम है लॉस सैंटोस पैनिक। तो यहां पर शायद से मेरा कोई भी काम नहीं है। तो अभी ना मैं वापस चलता
ऊपर, एक बार ना बैनी को फोन लगाकर पूछ लेता हूँ आखिरकार जाना कहाँ था। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से भी पूरी की पूरी बात हो गई है। बैनी कह रहा है अपनी गाड़ी उठाओ और जहाँ से तुम एंटर हुए हो ना उसके बगल में एक नीचे गैराज है, वहां से अपनी गाड़ी को अंदर एंटर करवा लेना, वहां से फिर मैं सीधा पहुंच जाऊंगा वर्कशॉप में जो कि इसके बेसमेंट में है, फिर उसके बाद ना मुझे लिफ्ट पकड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है जहां पर मुझे वो बंदा मिलने वाला है डील करने के लिए। अब यार देखो यहाँ पर ना मुझे अपनी गाड़ी कहाँ से बाहर निकालनी है वो देखना पड़ेगा। तो ये देखो ये एकदम बढ़िया से एग्जिट, और मैं जिस रास्ते से अपनी गाड़ी अंदर लाया था ना वो पैदल बंदों के लिए रास्ता है। तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को मैंने यहाँ से बाहर तो निकाल लिया है, और यहाँ पर जो बेसमेंट थी ना मेरे को दिखी थी बट यार अभी ना मुझे एकदम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रही है, तो शायद इसके थोड़ा सा ही आगे थी। अभी फटाफट एकदम आराम आराम से मैं अपनी गाड़ी चलाने वाला हूँ। तो ये देखो भाई यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है मेज बैंक अरीना, तो बहुत ज्यादा बढ़िया जगह। और ये देखो ये आ गए वो सारे के सारे गैराज। तो अभी मेरे को किस गैराज से अंदर एंट्रेंस करवाने, शायद से तीनों एक ही जगह पर जाते होंगे, तो जल्दी से मैं इसके अंदर अपनी गाड़ी एंटर करवा लेता हूँ। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी मैं फिलहाल अपनी फरारी को जो है नीचे बेसमेंट में लेकर आ चुका हूँ, और यहाँ पर ना एक छोटी सी पार्क करने की भी जगह है, तो अपनी फरारी को मैं यहाँ पर एकदम आराम से पार्क कर देता हूँ। अब ना जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता हूँ क्योंकि मुझे अंदर घुसते ही लिफ्ट नजर आ गई थी ऊपर जाने की, तो शायद से ना मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। तो सबसे पहले ना जल्दी से ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल लिफ्ट में बैठकर मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ, और सामने की तरफ मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना मेरे को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मतलब जो बिग माफिया का भाई है ना उसके साथ भी सेम टू सेम ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड आते थे, यही ड्रेस होती थी यही गन होती थी। वैसे यार बिग माफिया का भाई यहाँ पर क्या करने आएगा, वो तो दूसरी सिटी में रहता है सीधी सी बात है, लेकिन यार वो भी ना अमीर बहुत है। तो अभी ना थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर फिलहाल अभी ये पूरा का पूरा खाली पड़ा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो सामने की तरफ मैंने एक छोटा सा इन्होंने बार बना रखा है, तो मेरे को पता है क्या लग रहा है ये ना एक वीआईपी लॉन्ज है, और यहां पर ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंदों को उतरी। वो देखो भाई साहब सामने की तरफ में बिग माफिया का भाई खड़ा हुआ है, भाई ये क्या सीन है, मतलब कि यार जहां पर भी मैं जा रहा हूं वहां मुझे बिग माफिया का भाई ही क्यों मिल रहा है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो अभी ना मेरी बिग माफिया के भाई से पूरी की पूरी बात हो चुकी है, और यार ये कह रहा है कि जो जगह तुम सामने देख पा रहे हो इस जगह पर ना बहुत ही बड़ा एक टूर्नामेंट होने वाला है, मतलब कि एक टाइप से ना कार की वॉर होने वाली है, इस जगह का नाम इसीलिए अरीना वॉर है। तो यहां पर ना देखो उसमें होगा क्या, काफी सारी ना यहाँ पर कार्स आएंगी, 20-30 कार्स आएंगी, और उन सभी कार्स के बीच में एक बहुत तगड़ा टूर्नामेंट होगा, सबको एक दूसरे की कार फोड़नी है। जैसे पबजी में हमें एक दूसरे को मारना होता है ना, तो यहाँ पर सबको एक दूसरे की कार फोड़नी है, और एंड में जिसकी कार बचेगी वो इस वाले मैच को जीत जाएगा, और उसकी टीम को मिलेंगे यहाँ पर $2 बिलियन। मतलब कि यार इस टूर्नामेंट का जो विनिंग अमाउंट है ना यार वो बहुत ज्यादा है, कोई भी बंदा सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगा। तो कहीं सर अभी ना बिग माफिया का भाई मुझे ये कह रहा है कि ना उसको 5 कार्स ऐसी चाहिए कि हम उस कार में कितनी भी गोलियां मार ले कितना भी ब्लास्ट कर दे लेकिन वो जो कार है कभी भी फूटनी नहीं चाहिए। तो भाई देखो इस टाइप की जो मॉडिफिकेशन है ना वो बैनी को एकदम बढ़िया तरीके से आती है, यानी ये जो काम है ना हम लोग इसके लिए एकदम मस्त तरीके से कर सकते हैं। और आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो ये जो जगह है ना भाई यहां पर इतना ज्यादा क्राउड है, इतने सारे लोग यहां पर आ रखे हैं इस चीज को देखने के लिए, मतलब यार लोगों में भी एक अलग ही क्रेज है। जितना क्रेज एक क्रिकेट मैच के लिए होता है ना लोगों को उतना ही क्रेज इस चीज के लिए है, मतलब ऑडियंस पूरी भरी पड़ी है यहां पर स्टेडियम में। तो भी ना जल्दी से मैं यहां से बाहर निकलता हूं, और अभी ना इसने मेरे को बोला है कि ना तुम्हारी नीचे वर्कशॉप है वहां पर जाकर पूरा चेकआउट कर लो, और अपने जितने भी बंदे हैं यहीं पर लाकर गाड़ी मॉडिफाई करना। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ चुका हूं लिफ्ट में बैठकर, तो जल्दी से आगे चलकर देखता हूं कि आखिरकार इसने मुझे कैसी वर्कशॉप दी है काम करने के लिए। अब यार देखो ये बंदा ना बहुत ज्यादा अमीर है, और यहां पर ना ये वाली जो डील है ना मैंने इसे डन कर दिया है, फिर भी ना इसने मेरे को अभी तक हाफ पेमेंट भी नहीं दी, पता नहीं किस लिए, इसको शायद से ना हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम लोग भरोसा दिला देंगे कि हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। अभी ना फटाफट आप लोग यहां पर देख पा रहे हो वर्कशॉप तो हमारे शोरूम से भी ज्यादा बड़ी है, यानी कि अब ना बैनी यहां पर एकदम आराम से गाड़ियों को मॉडिफाई कर पाएगा, और जो भी गाड़ियां मॉडिफाई हो जाएगी ना ऐसा नहीं है कि यहीं साइड में खड़ी करेंगे, उसके लिए बाहर अलग से जगह है, जो भी गाड़ी मॉडिफाई हो जा रही है उसको बाहर खड़ी करके आ जाओ। भाई साहब सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ी वर्कशॉप यहां पर हमें मिली है काम करने के लिए। तो यार देखो अभी ना उसने हमें फर्स्ट पेमेंट इसलिए नहीं करी, वो ये कह रहा है कि जब तुम लोग अपना यहां पर आकर मॉडिफिकेशन करोगे तब वो हमारी फर्स्ट पेमेंट कर देगा, मतलब कि वो ये चाहता है कि तुम जितनी भी गाड़ियां रिपेयर करो जितनी भी गाड़ियां बनाओ मॉडिफाई करो सिर्फ और सिर्फ उसके वर्कशॉप में करो, अपने शोरूम में मत करो। तो बस वो ये चीज चाहता है। और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो इसने ना यहां पर एक बेडरूम भी बना रखा है, अगर यहां पर अब बैनी रहेगा, देखो यार रहना तो पड़ेगा ही, वो वापस घर नहीं जाने देगा जब तक उसका यह टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाएगा, तो तब तक तो यार बैनी को यहां पर रहना पड़ेगा। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो नीचे बेडरूम है, ऊपर यहां पर एक ऑफिस है, लैपटॉप भी लगा रखा है अपना, इंटरनेट वगैरह सब चला लो, और यहां की तरफ में भी बहुत ज्यादा बढ़िया अच्छी जगह लग रही है मेरे को तो सच्ची में यार, बहुत सही पैसा
पैसा इसके पास भरा पड़ा है। तो अभी ना जल्दी से नीचे चलते हैं यार, देखो अपना मजे आने वाले हैं। 250 मिलियन डॉलर मिल जाएंगे भाई, कितना ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आप लोग यहाँ से नजारा भी देख पा रहे हो, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है अरीना वॉर का भाई। सच्ची में इस जगह को मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। तो गाइस यार देखो, अब तक मैं यही सोचता था कि सबसे ज्यादा पैसा ना इसी चीज में है कि मतलब सस्ते में गाड़ी खरीदो और उसको 2-3 मिलियन डॉलर की बेच दो। लेकिन भाई यार अब मुझे समझ आ गया, सबसे ज्यादा पैसा या तो तुम वेपन्स को बेचो, मतलब वेपन्स को भी ऐसे नहीं, वेपन्स जो एकदम सस्ते रेट में लाओ और फिर उसको ना बहुत ज्यादा महंगे रेट में बेचो, तो बहुत ज्यादा फायदा है। और बाकी जो अरीना वॉर वाला सिस्टम है ना, ये बहुत ज्यादा ना रिस्क वाला काम है। अगर तुम्हारी टीम जीती तो तुम भाई बिलियनर बन जाओगे, लेकिन अगर हारी तो भाई 250 से 300 मिलियन डॉलर का भी नुकसान हो सकता है। वैसे यार देखो, नुकसान कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना सोचना नहीं चाहिए। अगर मान लो बाय चांस जीत गए तो फिर अपनी एकदम लाइफ लग्जरी हो जाएगी। तो अभी ना जल्दी मैं यहां से अपनी गाड़ी को बाहर निकालता हूं, सीधा निकल लेते हैं बैनी के पास। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी को जो है यहां से बाहर निकाल लिया। जल्दी से मैं चल लेता हूं सीधा बैनी के पास, यानी अपने शोरूम में, और उसको बता देते हैं किस टाइप की गाड़ियां बनानी है, कैसी बनानी है। लेकिन यार वो गाड़ियां मैं लेकर आऊंगा कहां से, मतलब ना किसी नॉर्मल कार को बुलेट प्रूफ नहीं करना, हमें एक खतरनाक ऑफ रोड व्हीकल चाहिए होगा, मतलब जैसे मॉन्स्टर ट्रक नहीं होते कुछ उस टाइप का, ताकि वो बढ़िया तरीके से बैनी उसको आर्मर्ड कर पाए। तो भी जल्दी से बैनी को ये सब कुछ चलकर बताना पड़ेगा, और कल जो है हमें हाफ पेमेंट मिल जाएगी, यानी कि 125 मिलियन डॉलर। तो चलो गाइस यार, आज के इस वाली वीडियो में इतने ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 6 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक।